हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रांस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनयोग से खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनयोग अभी हाल ही में 8085 पदों के लिए लेखपाल भर्ती की परीक्षा 31 जुलाई को आयोजित कराई गई। जी हाँ, जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन आंसर की जारी कर दिया गया था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने परीक्षा दिया, उनका अच्छी तरीके से पेपर नहीं हो पाया है शत प्रतिशत अपना देने के बाद भी, तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों को एक और मौका मिल सकता है लेखपाल भर्ती के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है राजस्व विभाग ने घोषित कर दिया है भर्ती विज्ञापन को लेकर के 5000 से ज़्यादा पदों के लिए, और ये संख्या लगभग 6000 भी पहुँच सकती है विज्ञापन आने की तिथि तक। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो भी लेखपाल भर्ती की और भी जो है विज्ञापन की इंतजार में थे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे उसी बारे में। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण पर जो आपके लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई स्टॉल के माध्यम से पहुँचा जा सके। तो चलिए बढ़ते खबर मांगे और बात करते हैं पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से नई लेखपाल भर्ती विज्ञापन को लेकर के, यहाँ से देखते हैं। आज न्यूज़पेपर में प्रमुखता से जो है खबर आई हुई है कि लेखपाल के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। 5000 से ज़्यादा पद हैं खाली, 8085 पदों पर भर्ती के बावजूद 3233 पद हैं रिक्त, 2000 और होने वाले हैं रिक्त। आप यहां से देख सकते हैं, प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपाल के 5000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। इनमें से लगभग 2000 पद लेखपालों के राजस्व निरीक्षक के पद भी इसी माह प्रस्तावित पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे। लेखपाल संवर्ग को इन रिक्तियों को भरने के लिए राजस्व परिषद की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में लेखपालों के सृजित 30827 पद हैं, इनमें से 3600 पद अभ्यर्थी तौर पर अस्थायी तौर पर सृजित हैं। लेखपालों की कुल पदों में से 19509 में वर्तमान भरे हुए हैं, जबकि 11318 पद खाली हैं। खाली पदों की अगर बात की जाए तो 8085 पद भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन ने हाल ही में लिखित परीक्षा कराई। परीक्षा के आधार पर 8085 लेखपाल चयन जाने के बाद भी 3233 पद खाली रहेंगे। उधर राजस्व निरीक्षकों के 2200 से अधिक रिक्त पदों पर लेखपालों और अमीनों की पदोन्नति होनी है, और राजस्व निरीक्षकों के पद पर लेखपालों की पदोन्नति के लिए राजस्व परिषद 22 अगस्त को विभागीय पदोन्नति समिति बैठक करने की तैयारी कर रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने पर लगभग 2000 लेखपालों के राजस्व निरीक्षक में जो बन जाएंगे, जिससे और भी 2000 पद खाली हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि प्रदेश में लगभग 6000 के करीब एक और लेखपाल भर्ती, राजस्व लेखपाल भर्ती है ना, राजस्व लेखपाल भर्ती। इसके अलावा प्रदेश में अगर बात किया जाए तो लगभग आज की तिथि तक चकबंदी लेखपाल की अगर बात किया जाए तो चकबंदी लेखपाल का भी लगभग 4000 से ज़्यादा पद रिक्त है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रदेश में अभी भी लेखपालों के लगभग 10000 पद रिक्त हैं 8085 पदों पर भर्ती विज्ञापन परीक्षा होने के बाद भी। तो आप मान के चलिए राजस्व लेखपाल की जो बात है तो राजस्व लेखपाल की अगर हम लोग बात कर लें तो राजस्व लेखपाल के लिए आप सभी लोगों के लिए 6000 पदों का और मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग चकबंदी की बात कर लें तो चकबंदी के लिए भी 4000 पदों के लिए विज्ञापन कभी भी आयोग की तरफ से जारी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी भी अधियाचन UP SSSC पहुँच चुका है और 6000 लेखपालों का अधियाचन अभी नहीं पहुँचा है, लेकिन अति शीघ्र ही 6000 पदों के लिए भर्ती अधियाचन जो है UP SSSC पहुंचने वाला है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है उन युवाओं के लिए जो कि लेखपाल भर्ती की एक नई विज्ञापन के इंतजार में बैठे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की चीज़ ये भी है रिजल्ट और नया भर्ती विज्ञापन को लेकर के। हम लोग जानते हैं आंगनबाड़ी मुख्य सेविका की भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है और उसका ऑनलाइन आवेदन आयोग की तरफ से लिया जा रहा है PAT 2021 के माध्यम से, है ना फ्रेंड्स। PAT 2021 के माध्यम से इसका ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है आयोग की तरफ से। जो परीक्षा जो आपकी शुल्क है प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपया के साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी विशेष तौर पर महिला अभ्यर्थी कैटेगरी जो है सम्मिलित की जाएंगी इस भर्ती को लेकर के। तो ये बात हो गई है मुख्य सेविका की जो पदों की भर्ती विज्ञापन चल रहा है अभी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अन्य भर्ती विज्ञापन जो कि जो है आपके PAT 2021 के माध्यम से आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं PAT 2022 जो आपकी परीक्षा है वो 16 और 17 अक्टूबर को आपकी होने वाली है। तो एक बार बात की जाए तो रिजल्ट आते आते लगभग फरवरी मार्च हो जाएगा, तब तक 2021 पेट ही एक्टिव रहेगा, इस चीज़ को आप सभी लोग जान लीजिए। तो इसके साथ अगर बात किया जाए अगर UP SSSC पर आज अभ्यर्थियों का धरना है विज्ञापन को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के,
जूनियर असिस्टेंट 2019 का अंतिम परिणाम जारी होना है, फाइनल जो है रिजल्ट जारी होना है और रिजल्ट अभी जारी नहीं हो पा रहा है, पिछले कई महीनों से पेंडिंग में है। इसको लेकर के आज सुबह 10 बजे, जी हाँ सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थियों का जमावड़ा होगा। इसके साथ अगर हम बात कर ले AGTA विज्ञापन को लेकर के, अगर अभ्यर्थियों की तरफ से दबाव नहीं दिया गया तो AGTA का विज्ञापन या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट जो BCOM पास अभ्यर्थी हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती जो आने वाली है वो भी लेट हो जाएगी। तो आप सभी लोग जो है शत प्रतिशत कोशिश करिए कि आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर आज सुबह 10 बजे पहुँचें। कब? सुबह 10 बजे आज आयोग पर पहुँचिए, पिकअप भवन लखनऊ, जैसा कि हम लोग जानते हैं गोमती नगर में है, और वहाँ पर आप सभी लोगों को पहुँचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी आज UPSSC को लेकर के। आई होप खबरें आपको इंफॉर्मेटिव महसूस हो रही होंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।